अभिभावक संघ की ओर से मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना के चलते जहां एक और स्कूल बंद रहे हैं, वहीं अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, लेकिन फिर भी स्कूल द्वारा महंगी फीस की वसूली की जा रही है। फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और ऑनलाइन चल रही पढ़ाई भी बंद कर दी गई है। वहीं कुछ मामलों में पूरी फीस न देने पर बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है और उनका पूरा साल बर्बाद किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा स्पष्ट आदेश है कि उन सुविधाओं का मूल्य स्कूल न वसूले जो सुविधाएं स्कूल द्वारा नहीं दी जा रही। ज्ञापन देने वालों में अनुज गुप्ता, वैभव गुप्ता, अंकित अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, कविता गुप्ता, अनिल पट्टा का मौजूद रहे। हम लोग मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के सब मेंबर्स और पदाधिकारी हैं। विगत पिछले साल से हम लोग लगातार स्कूल फीस को कम करने की मांग को लेकर अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बारी बारी पे कई बार मुरादाबाद सरकार ने भी अभिभावकों को राहत देने के लिए शासनादेश लागू किए हैं, लेकिन बड़ा शर्म का विषय है कि उन आदेशों का पालन मुरादाबाद के स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं, या वो असहाय हैं, या उनके सामने कौन सी मजबूरियां हैं जो सरकार के आदेशों को वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अभिभावक लिख के शिकायत देते हैं तो अधिकारियों को ये कहना होता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो सरकारी स्कूलों में दाखिला करा लो। अरे हम अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार ने आदेश दिया कि जो सर्विसेज, जो सुविधाएँ स्कूल उपलब्ध नहीं करा रहा है उसकी फीस स्कूल नहीं लेंगे, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई पालन मुरादाबाद के प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दो तो उनका एक ही काम होता है कि ज्ञापन की और सरकार की आदेश की कॉपी लगा के स्कूलों को भेज दी जाती है। उसके बाद ये नहीं देखना होता है कि उस पर कोई पालन हुआ नहीं हुआ, जबकि जिला नियामक समिति मुरादाबाद में बनी हुई है, उस समिति का ये दायित्व है कि वो उस शासनादेश का पालन कराए। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि जो सुविधाएं शासन के आदेश अनुसार जो सुविधाएं स्कूल नहीं दे रहा है बच्चों को, उसकी फीस तत्काल प्रभाव से कम करी जाए। जिन बच्चों को स्कूल से पढ़ाई रोक रखी है फीस जमा न होने पर, उनकी पढ़ाई तत्काल शुरू कराई जाए। जिन बच्चों के 2021 के रिजल्ट नहीं दिखाए गए फीस न जमा होने पर, उनके रिजल्ट दिखाए जाएँ।